हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल. माय नेम इज जया और आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ. ये डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल. प्लीज मुझे क्लियर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन वो भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है देन प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेगा. ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट. वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी बना देगा. सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस डॉट ओके. नाउ लेट स्टार्ट दिस टॉपिक. सो ये टॉपिक क्या है कि हमारे मतलब इंडिया में INS विक्रांत जो है उसको कमीशन करेंगे September 2, 2022 में. इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत टू बी कमीशन ऑन September 2, 2022. ये कमीशन का मतलब क्या होता है? सो कमीशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्लांट ले लो, या इस केस में अगर हमने एयरक्राफ्ट कैरियर हमने लिया तो इसका मतलब है कि हमने सारे नेसेसरी टेस्ट कर लिए, सारे प्रोसीजर्स हमने कर लिए, जो भी प्रोसीजर्स यू नो स्टैंडर्ड्स वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के लिए चाहिए वो सारे प्रोसीजर्स हमने कर लिए. उसके बाद सब कुछ करने के बाद अब वो पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ये अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर आफ्टर एवरी नेसेसरी टेस्ट एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स यू नो मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, तो अब वो ये कैरियर जो है पूरी तरीके से तैयार है फॉर द पर्पज फॉर विच इट हैज बीन यू नो मेड और इट हैज बीन इंस्टॉल्ड. तो इसको हम कमीशन का मतलब ये होता है. ठीक, तो ये जो इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हमारा 2 सितंबर 2022 से कमीशन होगा, ऑपरेशनल में आ जाएगा. ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है एक विक्रांत राइडिंग ऑन द वेव्स कॉम्बैट रेडी इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ. ये कर्टेन रेजर ऑन कमीशनिंग ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत. सो क्या होगा, अब हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं. तो ये बोला गया है कि ये जो 2 सितंबर है 2022 एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क होगा, एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन होगा यू नो टोवर्ड आर आत्मनिर्भर गोल. क्योंकि एक अपना खुद का एक इंडिजिनस यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना किसी भी कंट्री किसी भी नेशन के लिए बहुत बड़ी बात होती है. सो अब हम लोग कमीशन करने जा रहे हैं अपने विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को. सो उसी लिए ये बोला गया है कि ये जो दिन है ये हमारा जो कमिटमेंट है टुवर्ड द आत्मनिर्भर भारत उसके लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, हिस्टोरिकल माइलस्टोन है इंडियन नेवी और पूरे नेशन के लिए. और इस दिन को चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे. एंड विक्रांत हमारा क्या है, एक लार्जेस्ट वॉरशिप है जो टू हैव एवर बीन बिल्ट इन इंडिया. एंड ये हमारा पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी के लिए. फिर ये जो कमीशनिंग है ये इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो जो हमारे वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी वाइस एडमिरल SN गोरमेडे है उन्होंने ये बोला कि ये जो INS विक्रांत है ये इंश्योर करेगा पीस एंड स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में. एंड ये हमारा कमीशन होगा कोची में, एक इवेंट होगा कोची में, वहां पे ये होगा ऑन 2 सितंबर जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे. और उन्होंने यही बोला है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये जो है जो 2 सितंबर को होगा वो एक अनफॉरगेटेबल डे है. क्यों? क्योंकि ये इनहांस करेगा कंट्री का ओवरऑल मैरिटाइम कैपेबिलिटीज. अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे ना INS विक्रांत की, सो INS विक्रांत जो है ये ओरिजिनली यू नो इसका ये जो नाम इसको विक्टोरियस एंड गैलेंट इसका नाम दिया गया है. सो ये क्या है, ये ओरिजिनली बिलोंग करता है इंडियाज मच लव्ड फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो जिसने अपना रोल एक प्ले किया था 1971 की जो इंडो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसमें उसने ये INS विक्रांत जो था उसने बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले किया था. फिर 1997 में इस INS विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया. पर ये जो 1971 वॉर में ये जो INS विक्रांत जो था हमारा इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ये अप्रोक्स 19,500 टन का था. एंड ये इसको हमने एक्वायर किया था यूके से. मतलब पहला जो INS विक्रांत जो 1971 वॉर में जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसको हमने यूके से एक्वायर किया था. एंड ये 19,500 टन का कुछ था. एंड इसने एक बहुत ही स्टेलर रोल प्ले किया था 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुई थी. तो इंडिया ने डिप्लॉय किया था विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में. एंड उसके साथ उन्होंने दो एयर स्क्वाड्रन भेजा था, सी हॉक फाइटर जेट्स एंड एलिजे सर्विलांस एयरक्राफ्ट भेजा था
जिसने स्ट्राइक किया था बहुत सारे पोर्ट्स एंड मर्चेंट शिप्स पे एंड अदर टारगेट्स, ताकि जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं वो क्या करें, वो मैरीटाइम रूट से वो स्केप ना कर सके. ये हमारा INS विक्रांत, फिर 1997 में इसको डिकमीशन कर दिया गया. फिर से इसको 2 सितंबर को फिर से लाया जाएगा ऑपरेशन में. एंड ये अब की बार ये जो आएगा तो ये हमारा फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा. ठीक है, तो ये विक्टोरियस एंड गैलेंट है. फिर अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये 262 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर वाइड है एंड इसकी हाइट 59 मीटर्स है. एंड ये डिस्प्लेस करेगी अप्रॉक्स 43,000 टन, या इसका एग्जैक्ट फिगर अगर देखेंगे तो वो 42,800 है. जब ये फुली लोडेड हो जाएगी तो इसकी जो मैक्सिमम अगर हम डेजिग्नेटेड स्पीड देखेंगे तो 28 नॉट्स होगी, मींस 52 अबाउट 52 किलोमीटर पर आवर. एंड इसका जो इंड्योरेंस है वो 7500 नॉटिकल माइल्स होगा. एंड इस शिप में अराउंड 2200 कंपार्टमेंट्स होंगे जिसमें 1600 क्रू रह सकते हैं. एंड कुछ स्पेशलाइज्ड कैबिन्स भी होंगे जिसमें विमेन ऑफिसर्स और सेलर्स को अकोमोडेट किया जाएगा. और ये जो कैरियर है इसमें ना ये हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन है, मीन्स चाहे वो ऑपरेशन से ले लें या शिप नेविगेशन या सर्वाइवेबिलिटी या फिर मशीनरी ऑपरेशन, ये सब ज्यादातर जो फीचर्स इसमें डाले गए हैं वो सब एक तरीके से ऑटोमेटिक डाले गए हैं. तो इसीलिए हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन बोला गया है. एंड ये जो कैरियर है इसमें लेटेस्ट हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मशीनरीज होंगी एंड बाकी के वेपन्स होंगे एंड सिस्टम होंगे. सो ये एक तरीके से ये बूस्ट कर रहा है एक फुल्ली फ्लेजेड स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स एज वेल, जिसमें लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर में होगी, जैसे कि मेजर मॉड्यूलर ओटी, इमरजेंसी मॉड्यूलर ओटी, देन फिजियोथेरेपी क्लीनिंग, क्लीनिक, आईसीयू, लेबोरेटरी, सिटी स्कैनर, एक्सरे मशीन्स, देन डेंटल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज, ये सारे भी ये जो हमारे इससे रिलेटेड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होंगे वो भी इसमें इक्विप्ड किए जाएंगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर में. और अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 गैस टर्बाइन्स होंगी, 88 मेगावाट पावर देंगी. एंड ये डिस्प्लेसमेंट मैंने 43,000 कह दिया था तो एग्जैक्ट फिगर ये है. इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन होंगे जिसमें आप अप्रॉक्स 30 हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स एंड अनमैंड व्हीकल्स, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, आप लोड कर सकते हो, कैरी कर सकते हो. ये जो प्रोजेक्ट है इसने रिप्रेजेंट किया है एक इंडियन यूनिटी एज द एयरक्राफ्ट कैरियर, बिकॉज ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है अप्रॉक्स 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें कोलकाता, जलंधर, कोटा, पुणे, दिल्ली, अंबाला, हैदराबाद, इंदौर सब आता है. अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके लेटेस्ट इसमें आपने और क्या वेपन्स, अगर हम बात करेंगे कि कौन से वेपन्स इसमें आए हैं, तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये 30 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है. ओके, देन इसमें हमारा MiG-29 के फाइटर जेट्स भी है, Kamov-31, MH-60R, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी हैं. देन इसमें इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स एंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये केपेबल है कि ये इन सब चीजों को, इसमें ये एयरक्राफ्ट कैरियर में इन सब ये सब चीजें भी होंगी. दिस एयरक्राफ्ट आर विक्रांत, INS विक्रांत हैव द केपेबिलिटी टू कम्प्राइज टू हैव ऑल दीज थिंग्स एंड इट विल कम्प्राइज ऑल दीज थिंग्स. अगर हम बात करेंगे जैसे हमारा जो INS विक्रम आदित्य है वो 44,500 टन वेसल है एंड इसमें 34 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं इंक्लूडिंग बोथ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स. इसमें 30 है बट इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड की गई हैं. एंड देन अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट भी है हमारी. और इसमें एक और फीचर आ रहा है, नोवल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड इसमें आ रहा है जिसको हमने शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी बोला गया है. ये शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी ये जो है ये लॉन्च के लिए यूज की जाती है एंड रिकवरी ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए यूज की जाती है फ्रॉम द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर. सो ये लॉन्च एंड रिकवरी के लिए हमारा ये शॉर्ट एयर ये शॉर्ट स्टोबार हमारा यूज किया जाता है. मतलब आपने शॉर्ट टेक ऑफ की देन वर्टिकल लैंडिंग के लिए ये स्टोबार यूज किया जाता है. देन हमारा ये इसमें स्की जंप और लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट भी है एंड इसमें 3 एरेस्टर वायर्स भी हैं. एरेस्टर वायर्स हमारा यूज किया जाता है डी एक्सलरेट करने के लिए, किसी भी एयरक्राफ्ट को डी एक्सलरेट करने के लिए, जैसे वो लैंड करता है तो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है तो उसको डी एक्सलरेट करने के लिए ये एरेस्टर वायर्स भी यूज किया जाता है. तो ये सारे फीचर्स हमारे INS विक्रांत में है. देन और अगर हम देखेंगे तो इस INS विक्रांत ने अपने बहुत सारे जो मल्टीपल फेजेस ऑफ सी ट्रायल्स हैं 45
उन्होंने वो पूरे सी ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं फ्रॉम ऑगस्ट 21 टू टिल डेट, जहाँ पे शिप की परफॉर्मेंस देखी गई थी, जिसमें हम लोग ने अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशंस में शिप की परफॉर्मेंस देखी, मैन्यूवर ट्रायल्स देखे, मेन प्रोपल्शन, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा, शिप का नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम देखा, उसका एंड्योरेंस टेस्टिंग हमने देखा, प्रोपल्शन मशीनरी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सूट, मतलब जितने भी हमारे पॉसिबल हम लोग टेस्ट कर सकते थे हर एक सिस्टम के, हर एक इक्विपमेंट के, हमने वो सारे टेस्ट ये आईएनएस विक्रांत के हुए हैं। अगर हम देखेंगे कि नीड क्या है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की, सो देखो ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट मरीन एसेट होता है किसी भी नेशन के लिए, और ये किसी भी नेवी, किसी भी नेशन के नेवी की कैपेबिलिटी को ये बढ़ा देता है। अब जिसे सिर्फ 5 से 6 जो नेशन है करेंटली, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर, अब इंडिया भी उसमें ज्वाइन हो चुका है। सो एक तरीके से जो इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जो उनका मोटो था, हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं, अब हम लोग खुद का एक इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे, तो अब हम उस फाइट में, उस कॉम्पिटिशन में भी हम लोग उतर चुके हैं। अब अगर हम इससे पहले की बात करेंगे, सो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भी थे, ठीक, जैसे कि अब हमने आईएनएस विक्रमादित्य कमीशन हुआ था 2013 में, आईएनएस विक्रमादित्य को देखेंगे तो आईएनएस विक्रमादित्य हमने रशिया से लिया, ये कमीशन हुआ था 2013। देन और अगर हम दो देखेंगे तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट देखेंगे तो ये ओरिजिनली ब्रिटिश बिल्ट है, एचएमएस हरक्यूलिस एंड एचएमएस हर्मेस इसका है। सो ये हमारा कमीशन हुआ था 1961-1987, बट फिर विक्रांत को डी कमीशन कर दिया गया था 1997 में। तो ये जो विक्रांत है, ये इसमें ये लार्ज नंबर ऑफ हमने इंडिजिनस इक्विपमेंट डाला है, मशीनरी डाली है, जिसमें मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस भी इंक्लूडेड हैं, जैसे हमारा हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया हमारा, देन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, देन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, एलएनटी, वॉटस्टिला इंडिया, ये सब हमारे, और बाकी के 100 एमएसएमईज इसमें इंक्लूडेड है। सो ये जो इंडिजनाइजेशन का जो ये एफर्ट था, तो इसमें ये जो बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, अब इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज के भी, एंड बिसाइड ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, अपॉर्चुनिटीज फॉर 2000 सीएसएल पर्सनल एंड 13,000 एम्प्लॉयज की इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज। सो एक तरीके से ये जो नेशन की इकोनॉमी है, ये भी बूस्ट कर रही है जब हम इंडिजनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये एक नीड हो गया हमारा, मींस एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, अगर हम इन ऑल बात कर रहे हैं नीड फॉर इंडिजनाइजेशन, तो इसमें आप एक ये रीजन है कि इंडिजनाइजेशन की वजह से हमारा इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा जनरेट हो रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप हो रही है, दैट्स वेयर। सो अब ये क्या है, ये हमने जो वॉरशिप ग्रेड स्टील चाहिए, ये हमारा आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए। सो एंड ये आईएनएस विक्रांत, ये जो वॉरशिप ग्रेड स्टील है, वो हमने कहाँ से लिया है, वो नेवी, डीआरडीओ और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सब के कोलैबोरेशन से हमें वो वॉरशिप ग्रेड स्टील मिली है। सो एक तरीके से ये बोला गया है कि ये एक मेजर स्पिन ऑफ है, जब हम अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट अगर हम बना रहे हैं, तो बहुत ही एक मेजर स्पिन ऑफ है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो वॉरशिप स्टील भी, अगर हम सेल्फ सफिशियंसी की बात करें, सेल्फ रिलायंट की बात करें, तो हम अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर में तो सेल्फ रिलायंट है, साथ साथ जो हम वॉरशिप स्टील भी हमने लिया है, वो भी हमने इंडिया से ही एक्वायर, वो कहीं से इंपोर्ट नहीं कराया गया है, सो हम उस रिस्पेक्ट में भी, हम वॉरशिप स्टील के रिस्पेक्ट में भी, हम एक सेल्फ सफिशियंट है। एंड अगर इंडिजिनस कंटेंट की बात करें इस प्रोजेक्ट में, तो 76% जो है हमारा, वो इंडिजिनस कंटेंट हमारा इस प्रोजेक्ट का है। एंड ये बोला गया है कि इसमें अप्रॉक्स, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट जो बना है, सो इसमें 23,000 हमारे टन स्टील लगे हैं, देन 2500 हमारा किलोमीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल लगे हैं, 150 किलोमीटर ऑफ पाइप्स, एंड 2000 हमारे वेल्व्स लगे हैं, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, जिसमें रिजिड हल बोर्ड्स, गैली इक्विपमेंट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन प्लांट, स्टीयरिंग गियर, ये सब भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। एंड एक तरीके से अगर देखें, नेवी के साइड से स्टेटमेंट आया है कि मोर देन 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में, एंड अबाउट 2000 इंडियन ने रिसीव किया है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑन बोर्ड। अगर हम ऑन बोर्ड की बात करें, तो 2000 एम्प्लॉयमेंट ऑन बोर्ड हुआ है ये इंडियन एयरक्राफ्ट ने, जो विक्रांत का जो प्रोजेक्ट था, उसमें 2000 इंडियंस रिसीव्ड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑन बोर्ड एवरी डे, एंड ओवर 40,000 अदर्स एम्प्लॉयड हुए हैं इनडायरेक्टली। और अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो जो
से जो 85% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, मीन्स नेवी ने बोला है कि दैट अबाउट 80 to 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारा 23,000 करोड़ है. एंड ये हमारा जो 80 to 85,000 क्या 23,000 करोड़ है. तो ये कमीशन होगा विक्रांत 2 सितंबर को. एंड इंडिया हमारा अब क्या करेगा, अब जो इंडिजिनियसली बन रहा है, तो अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, तो इंडिया अब क्या कर रहा है, वो हमने मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ ही नेशन है जो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, तो अब इंडिया भी उसमें घुस चुका है. अब इंडिया भी उस फील्ड में घुस चुका है कि वो अब इंडिजिनियसली अपना खुद का डिजाइन कर रहा है, खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है. तो एक तरीके से जो हम एक मेकिंग इंडिया, मेक इन इंडिया की तरफ जो हम बढ़ रहे थे, सो वो भी हमारा वो मोटो भी, वो एम भी हम पूरा कर रहे हैं. देन हम अब विक्रांत सिर्फ हमारा डिफेंस के पर्सपेक्टिव में ही हमारा यू नो स्ट्रेंथन नहीं करेगा डिफेंस को, बट ये हमारा हम्बल ट्रिब्यूट है टुवर्ड द सैक्रीफाइस जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया था फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो जो 1971 के वॉर के थ्रू वॉर में हुआ था. सो हम वो एक हम्बल ट्रिब्यूट भी पे कर रहे हैं जब अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं. एंड साथ साथ ये हमारा जो डिफेंस है उसको भी स्ट्रेंथन कर रहा है ये इंडिजिनियसली बिल्ट विक्रांत. फिर जो कमीशनिंग ऑफ विक्रांत जो है ये एक प्राउड और लैंडमार्क मूवमेंट है फॉर द नेशन की वो अपना आत्मनिर्भर जो अभियान है, जो मुहिम है, वो अपना शोकास करेगा ड्यूरिंग द आजादी अमृत महोत्सव. एंड ये एक ट्रू टेस्टामेंट है टू द कंट्रीज जील एंड फर्वर इन परसुइंग केपेबिलिटी बिल्ड अप टुवर्ड एनहांस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन रीजन एंड शैल डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज नेवी अनवेवरिंग कमिटमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. तो यही बोला गया है कि ये जो विक्रांत है ये एक बहुत ही प्राउड एंड लैंडमार्क मूवमेंट है जब हम अपना आत्मनिर्भर शो कर रहे हैं, नेशन हमारा जो नेशन का जो एम था आत्मनिर्भरता वो शोकास्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस आजादी का अमृत महोत्सव. एंड ये हमारे कंट्री, ये ट्रू टेस्टमेंट है, ये प्रूफ है हमारे कंट्री का जील एंड फर्वर कि हम अब परस्यू कर रहे हैं कि हम अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी इनहांस करें स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन में. एंड अब इंडियन नेवी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगी अपना एक अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन. इंडियन ओशियन रीजन में हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलते ही मिलते हैं, सो अब उसमें बहुत जरूरी है, इसीलिए अब इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी का रहना बहुत जरूरी है. कि मैं आपको अलग से एक सेशन दूंगी उसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी. सो इसीलिए इंडिया ने यही बोला है कि अब हमारा एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है कि हमें अब पीस एंड स्टेबिलिटी इस रीजन में लाना है. और अब ये क्वेश्चन एक आ रहा है कि क्या अब इंडिया ने अपनी ये कैपेबिलिटी शो कर दी है कि अब वो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, तो क्या अब और बनेगा. सो एक ये होप है कि एक आ रहा है INS विशाल करके. सो ये बोला गया है कि INS विशाल शायद हमारा इंडिया का सेकेंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है. एंड ये 65 टन वेसल इसका होगा, ये जो ये मच बिगर होगा देन दिस INS विक्रांत एंड विक्रमादित्य. सो दिस इज ऑल. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें और नेवल कैरियर्स लाना चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बिकॉज अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, चाइना भी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम की बात करें. सो अभी इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं एंड थर्ड हमारा मेकिंग में है एंड शायद और भी हमारे कमीशन हो जाएंगे. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें और लाना चाहिए, या अगर आप कोई भी ओपिनियन है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.